हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एकदम बिंदास होंगे। तो आप सब कोई सोचते होंगे कि मैं भी बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हूँ। तो मैं जो हूँ घर में थोड़ा सा मतलब काम चल रहा है, इसी वजह से तो कभी वीडियो बना पाते हैं तो बनाने के बाद फिर एडिट नहीं कर पाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसी वजह से जो है वीडियो मतलब बना तो लेते हैं लेकिन एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है हमको। तो यहाँ पर जो है देखिए अभी हम बैठ के क्या कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि ये पैकेट तो दूध का पैकेट है, इतना सारा पैकेट हम क्या करेंगे। तो ये जो पैकेट है दूध का ही है लेकिन हम इसको अच्छा से धो के रख लिए थे कि हमको पता है कि अभी बर्थडे आने वाला है। लेकिन किसका बर्थडे है आप सबको तो शॉर्ट्स वीडियो आप लोग को पता चल ही गया है कि किसका बर्थडे था, तो कुसुम का पापा का बर्थडे था। तो इसीलिए हम इसको मतलब हम खरीद के नहीं लाते हैं क्योंकि बस कुसुम का जब बर्थडे होता है, जोया का जब बर्थडे होता है या मेरा राजदीप का मेरा, तो बस हम लोग का ही घर का ही हम केक बनाते हैं। इसी वजह से जो है हम घर का ही जुगाड़ से काम चला लेते हैं और अच्छा बन भी जाता है। तो यहाँ पर जो है हम जोया को जो है मतलब दूध का जो पैकेट है इसको काट काट के दे रहे थे और वो जो है मतलब पैकिंग बैग बना रही थी क्रीम के लिए। तो यहाँ पर जो देखिए क्रीम भी यहाँ पे कुसुम यहाँ पे मतलब फैट रही है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ बीट कर रही है। बहुत दिन जो है मतलब वॉइस नहीं दे रहे थे, इसी वजह से जो है मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा बैठ सा गया है। और डेली अगर आप सबसे बात करते हैं तो आवाज़ जो है एकदम जोश से निकलता है, लेकिन बहुत दिन के बाद बाद अगर हम वीडियो बनाते हैं तो हम भी जब वीडियो देखते हैं या सुनते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप लोग इग्नोर कीजिएगा मेरा बात को। अब देखिए यहाँ पर जो है हम स्पॉन्ज बना लिए थे केक का जो बेस होता है, तो हम इसमें जो है टूटी फूटी भी डाले थे। और यहाँ पे जो है हम आज बना रहे हैं रस मलाई केक, जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा था खाने के बाद। हमको लगा ही नहीं था कि इतना टेस्टी भी बन सकता है। हमको हम क्या जिसको जिसको भी खिलाए हैं सब कोई का कहना है कि इतना अच्छा केक जो है मार्केट में भी नहीं मिलता है। हाँ सही में मार्केट में जो है पैसा देख के ख़रीदना पड़ता है, वो भी थोड़ा थोड़ा ही उसके अंदर जो भी रसमलाई हो या क्रीम हो थोड़ा सा फ्लेवर जो भी देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा ही करके देता है। लेकिन हम अपने घर के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं ताकि खाने में अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन अच्छा लगा खाने में। और यहाँ पे जोया जो है साइड में बना रही थी मिनी केक, जो कि रात को 12 बजे कटेगा। और हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक गिफ्ट खरीदे हैं कुसुम का पापा के लिए, जो कि आप सबको भी पता है कि क्या गिफ्ट में था। तो गिफ्ट में था एक मोबाइल फ़ोन, जो कि मतलब मेरा कुसुम जोया को भी कभी कभार जो है हम पॉकेट मनी देते थे, राजदीप को भी थोड़ा बहुत मिलता ही था, तो सबको मिलजुल के थोड़ा थोड़ा जमा किए और एक अच्छा सा मोबाइल खरीदे हैं। अब देखिए यहाँ पे केक कटिंग होगा। तो कुसुम का पापा को जो है समझ में आ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि कुसुम का पापा का कान में जो है हेडफोन था, इसी वजह से हम चारों जब इस रूम में घुसे तो मेरे हाथ में एक हाथ में छुरी था और हाथ में मोबाइल था, जोया के हाथ में भी एक मोबाइल था जिसमें कि सॉन्ग बज रहा था हैप्पी बर्थडे वाला। तो चौंक गए थे कुसुम का पापा। तो फिर जब जैसे ही कान से जो है हेडफोन निकाले उसके बाद ही उसको पता चला कि अच्छा मेरा बर्थडे था, ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था। कुसुम का पापा को जो है ज़रा सा भी पता चलने नहीं दिए कि हम लोग जो है उस रूम में बैठ के केक बना रहे हैं और सुबह से जो है लगे हुए थे केक के पीछे। और ये रहा गिफ्ट देने के टाइम में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कहीं डांट ना दे, क्योंकि थोड़ा सा महंगा तो था ही और बिना पूछे ही हम ये वाला जो है मोबाइल सोचे थे कि देंगे। पिछले साल भी सोचे थे कि कुछ अच्छा चीज़ें देंगे लेकिन हो नहीं पाया, तो खैर कोई बात नहीं, गुस्सा तो हुए नहीं लेकिन खुशी हुए और खुश क्यों नहीं होंगे। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे अभी হুম
वो प्लेटें देवे। सोनी पहले ही बैठ चुका है। लीजिए केक कटिंग हो चुका है और केक खा के बताइए कैसा बना है। तो चलिए फिर जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट और सभी को जय श्री माता जी।